हाय फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग टॉपिक को और क्लिक नोटिफिकेशन बेल। तो हाय फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे कि बोला था अगले वीडियो में GTA 3 और वाई सी टी की गेम प्ले वीडियो में कि मैं आपको ये गेम एंड्रॉयड में करना सीखाऊंगा, तो वो वीडियो में लेके आ चुका हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको झारचीवर और यूसी ब्राउजर ये रहा, ये दोनों ये ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना है। ये कोई पेड नहीं है, ये दोनों फ्री है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आफ्टर डाउनलोड आपको करना क्या है, यूसी ब्राउजर ओपन करना है और वहाँ पे मैं नीचे एक लिंक दूंगा, वो आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन में से जाओगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। तो आपको इसमें करना क्या है, तो ये आपको दिख रहा होगा ग्रैंड डेफ्ट ऑटो ऐप, तो उस पर आप डाउनलोड नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे उसके नीचे ग्रैंड डेफ्ट ऑटो 3 डेटा, तो डेटा के भी यहाँ पे वो है साइज दिखा रहा है 677 MB, उस डाउनलोड नाउ पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर भी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आफ्टर डाउनलोड आपको क्या करना है, तो आपको करना है अपना मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि GTA 3 देख लीजिए। नहीं अभी वर्क नहीं कर रही क्योंकि अभी हमने डेटा उसको नहीं सेट किया है। तो आपको करना क्या है अभी सेट करने के लिए, तो उसके सेट करने के लिए आपको ओपन करना है झारचीवर और उसमें आपको जाना है यूसी डाउनलोड्स, क्योंकि आपने यूसी ब्राउजर से डाउनलोड किया होगा तो यूसी डाउनलोड्स में आएगा, लेकिन मैंने यूसी ब्राउजर से डाउनलोड नहीं किया इसलिए मेरा डाउनलोड में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे जाके देखिए, आपको यहाँ पे अपना डेटा मिल जाएगा, देखिए ग्रैंड डेफ्ट ऑटो 3 डेटा जिप, तो आप 677.11 MB की दिख रही है, उस पर आपको क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। बाद में आपको ऊपर दिख रहा होगा डाउनलोड, तो डाउनलोड पे जाके डिवाइस मेमोरी ये रहा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे डिवाइस मेमोरी के बाद यहाँ पे एंड्रॉयड दिख रहा है आपको, वहाँ पे एंड्रॉयड में एंड्रॉयड के अंदर यहाँ पे OBB ये रहा, OBB में, और यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो एक्सट्रैक्ट में थोड़ा टाइम लेगा तो उसे टाइम दीजिए, एक्सट्रैक्ट के बाद आपकी गेम ऑलमोस्ट चालू हो ही जाएगी। और ये बहुत ही सिंपल ही थे, इससे आप GTA YCD भी यही मेथड से सेम मेथड से ओपन कर पाएंगे और सैन एंड्रियास भी यही सेम मेथड से ओपन कर पाएंगे। तो इसे एक्सट्रैक्ट हो जान देते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको दिख रही होगी कम रॉक स्टार GTA 3 ऐसी न्यू फाइल बन चुकी है। इसमें आपको क्लिक करें तो आप देखिए ये कितनी GB की हो गई, 1.21 GB की हो गई है। तो आपको करना क्या है, आप अभी आपको सिंपली ओपन कर लेना है और GTA 3, उससे पहले हिस्ट्री में से क्लियर कर डालते हैं ये। अब आपको GTA 3 ओपन करना है, तो आप देख सकते हैं गेम ऑन हो चुकी है। देखिए तो गेम ऑन हो चुकी है, तो ये यही है सिंपल मेथड। आप आराम से सिर्फ फॉलो कीजिए सारे स्टेप को और आप आराम से अपने एंड्रॉयड में GTA 3, GTA YCD और GTA San Andreas खेल पाएंगे, देख लीजिए। और ये गेम अपने आपके एंड्रॉयड में थोड़ी भी हैंग नहीं होगी, जो आपने रीत को एग्जैक्ट फॉलो किया होगा तो रीत को एग्जैक्ट फॉलो कीजिए तो कुछ गेम में रुकावट नहीं आएगी। तो देखिए गेम थोड़ी भी हैंग नहीं कर रही है, देख ही सकते हैं आप स्क्रीन पे। तो यही सिंपल मेथड है इस गेम को डाउनलोड करने का। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको GTA YCD के भी गेम प्ले दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि दोनों में करना सीखा हुआ, तो इसमें GTA YCD करनी है तो बस आपको GTA YCD डाउनलोड कर लेनी है। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे से आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको भी यही सेम मेथड तो एक्सट्रैक्ट कीजिए एंड्रॉयड OBB में एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और फिर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप
ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आप ऐप इंस्टॉल के बाद आपकी गेम ऑन हो जाएगी। तो देखिए गेम ऑन हो चुकी है। इसके ग्राफिक भी बहुत ही अच्छे हैं, आप देखिए देख ही सकते हैं स्क्रीन पे इसी ग्राफिक भी कितने अच्छे। तो ये 900 कुछ 900 MB के करीब आ जाती है ये गेम, और वो 600 MB के करीब है। तो दोनों में ये गेम ये MB इसका फ़र्क है। तो देखिए कितनी आराम से चल रही है। ये डाउनलोड करना हो तो मैंने बोला वैसा सेम मेथड कीजिए, ये भी डाउनलोड हो जाएगी। तो आप तो हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको और एक बात बता दूँ, अगर आपको झारचीवर में से ऐप एपी के इंस्टॉल करना नहीं आता तो मैं आपको दिखा दूँ वो करना क्या है। ये रहा एपी के, उस पर क्लिक कीजिए और ओपन दिख रहा है ऊपर, ओपन उस पर क्लिक कीजिए तो आप देखिए इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करेगा तो इंस्टॉल हो जाएगा, वैसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये थी GTA Vice City, GTA 3 और GTA San Andreas को डाउनलोड करने की सिंपल रीत। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कॉमेंट करके बताइए। अगर आपको गेम ओपन होने में कोई इश्यू आता है, जो नहीं आएगा फिर भी आ जाता है, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग टॉपिक को।